हमने हमेशा समाज से जुड़ी वह खबरें आपको दिखाई हैं जिससे कहीं ना कहीं समाज को प्रेरणा मिल सके। हम आप अक्सर पुलिसकर्मियों को लेकर नकारात्मक रवैया रखते हैं, लेकिन उसके विपरीत हम आपको जो खबर दिखाने जा रहे हैं उससे निश्चित है कि पुलिस के प्रति आपके आचरण और व्यवहार में सुधार आएगा। वर्तमान समय में चुनावी समय चल रहा है, उसमें राजनेता अपनी प्रतिष्ठा के लिए करोड़ों रुपए खर्च कर रहे हैं, लेकिन इनकी सुरक्षा और चुनाव शांतिपूर्वक हो सके इसके लिए पुलिस ने जो इंतजाम किए हैं वह आज आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। जो तस्वीरें आप देख रहे हैं वह शहर से 17 किलोमीटर दूरी पर हैं, जहां सुनसान जंगल में चार पुलिसकर्मी अपनी ड्यूटी बखूबी निभा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि जिस मिट्टी के चूल्हे पर पुलिसकर्मी अपना खाना स्वयं बना रहे हैं, उससे ये अनुमान लगाया जा सकता है कि पुलिस की ड्यूटी कितनी कठिन है एवं वे लोग अपनी ड्यूटी कितनी बखूबी से निभा रहे हैं। इसी दौरान पुलिसकर्मी आने जाने वाले वाहनों की तलाशी ले रहे हैं ताकि चुनाव में किसी भी प्रकार की कोई गड़बड़ी ना हो। हम समाज को यह बताना चाहते हैं कि पुलिसकर्मी हमेशा से अपनी ड्यूटी बखूबी निभाते हैं, बस हमें खुद आगे बढ़कर उनकी छवि की प्रशंसा करनी चाहिए ताकि पुलिस के ऊपर जो भ्रष्टाचार व अन्य आरोप लगते हैं उससे कहीं ना कहीं हमारे इन जवानों को निजात मिल सके। अक्सर राजनेता चुनाव जीतने के बाद न पुलिसकर्मी को याद करते हैं और ना ही उनके कर्तव्यों को याद करते हैं, बस मौका मिलते ही वह इन जवानों को अपनी सुरक्षा के लिए अपने घर के बाहर या अपने वाहनों में इनको तैनात कर देते हैं। जबकि जिस तरह से पुलिसकर्मी अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं उसी तरह से चुनाव जीतने के बाद राजनेताओं को भी अपना फर्ज बखूबी निभाना चाहिए। किन किन कठिनाइयों का सामना आपको करना पड़ रहा है, क्योंकि ये काफ़ी शहर से दूर है और जंगल है और आप देख रहे हैं किस तरह से आपका खाना बन रहा है। आप देखिए रहे हैं यहाँ पे खाने की कोई व्यवस्था नहीं है, यहाँ पे 15-15 किलोमीटर तक ज़्यादा खाना नहीं है। यही है कि हमें आपस में एडजस्ट करके यहाँ पे खाना बनवाना पड़ता है, साथ में ड्यूटी भी करना पड़ती है जी। वाहनों को रोकते हैं जी, उसमें भी कुछ वाहन ऐसे हैं जिनको संदिग्ध लगते हैं उनको रोकते हैं जी, तलाशी लेते हैं। लगभग कुल कितने लोग आप यहाँ पर? हम चार लोग हैं, चार जवान हैं, दो शिफ्ट में हैं जी, प्लस दो अधिकारी हैं जो अभी हमारे एक अधिकारी अभी बाहर गए हुए हैं मीटिंग में गए हुए हैं। ये जो खाना बन रहा है कहीं किस प्रकार से कहीं कठिनाइयों भरा सफर है, किस तरह से आप समाज को एक संदेश देना चाहते हैं कि पुलिसकर्मी किस तरह से अपनी ड्यूटी निभाता है? समाज को हम यही संदेश देना चाहते हैं कि जो पुलिस के प्रति नकारात्मक सोच है उसको चेंज करें। ये आप ही देख रहे हैं यहाँ पे सब अपने अपने घर में त्यौहार मना रहे हैं, हम यहाँ पे ड्यूटी कर रहे हैं, खाना कैसा बन रहा है, किस टाइम पर खाना खा रहे हैं, बस इसी के साथ वो कुछ। तीर्थ नगरी ओंकारेश्वर के निकट ग्राम पंचायत कोठी के अंतर्गत ग्राम गुंजारी पुनर्वास में गणेश नगर से गुंजारी तक लोक निर्माण विभाग द्वारा 1,93,00,000 की लागत से 3 किलोमीटर का डामर रोड बनाया गया है। बताया जा रहा है कि इस मार्ग की क्षमता 8 टन की है, लेकिन इस मार्ग पर रोजाना 30-30 टन से अधिक के वाहन चल रहे हैं। रोड की गारंटी भी चालू हो गई है, लेकिन इस मार्ग पर से रोजाना गिट्टी एवं रेती के बड़े बड़े डंपर व ट्राले निकाले जा रहे हैं। इसी दौरान ग्राम गुंजारी में सेल्दा पवार प्लांट कंपनी के द्वारा इंटेक वेल का काम जोरों पर चल रहा है, जिसमें प्रतिदिन यहां कहीं वाहन सरपट सरपट दौड़ते हुए नजर आ रहे हैं। भले ही शासन किसानों के हित में योजनाएं लागू करवा दे, पर प्रशासनिक नुमाइंदों के साथ व्यापारी शासन को प्रतिदिन लाखों रुपए का चूना लगा रहे हैं। कृषि उपज मंडी के सदस्य प्रतिनिधि किशोर खाती ने मीडिया से चर्चा करते वक्त आरोप लगाया है कि प्रबंधन की बाहर दुकानें लगवा कर प्रतिदिन 5 से 10 ट्रक माल रखकर मंडी टैक्स चोरी करवा रहे हैं। वहीं पूर्व में भी मंडी प्रतिनिधि के द्वारा भोपाल मंडी बोर्ड को शिकायत की गई थी, जिससे नाराज व्यापारियों ने उन्हें जान से मारने की धमकियां भी दी थीं, जिसकी रिपोर्ट भी थाना तराना में दर्ज है। इसके चलते कृषि उपज मंडी के भावांतर योजना का लाभ लेने गए किसानों पर भी घोटलेबाजी का साया मंडरा रहा है, जहाँ बड़े तोल कांटे से 500 ग्राम अनाज तो छोटे तोल कांटे से 1 किलो अनाज प्रति 90 किलो काटा जा रहा है। आए दिन नाराज किसान हंगामा करते हैं तो किसानों को वहीं पर समझा दिया जाता है और बात वहीं खत्म कर दी जाती है। 500 ग्राम एक थैले पास 90 किलो की जी 90 किलो पे 500 ग्राम काट रहा है। अच्छा, ये किसानों ने आवाज उठाई तो क्या बोल रहे हैं अधिकारी, क्या कह रहे हैं? जी आज फिर काटने लग गए, आज फिर काटने लग गए। मैंने बोला तो बोला जाओ, कहीं भी दिक्कत नहीं। अच्छा धन्यवाद। अच्छा, आप जैसे आप शिकायत करने का कहते तो क्या नंबर नहीं लगाते आपका फिर क्या? जब शिकायत करने का बोलते तो देर से आने की बोलते, क्या बोलते? अच्छा, जो किसान जाएगा उसको सुधार हो जाएगा। सर्वप्रथम माँ सरस्वती के चरणों में नमन, तिरंगे की आन बान शान, सेना मजदूर और किसान, उसके बाद
तोमर साहब आज मीडिया के माध्यम से मैं बोल रहा हूँ, तराना मंडी दलालों की मंडी है, दलालों की मंडी है। अगर मैं अकेला जागरूक किसान जाता हूँ मंडी सचिव के, मंडी अधिकारी के, किसी भी अधिकारी के पास, तो मेरे को अकेले बोलते हैं कि जाओ तुम्हारा सुधार किया कर दिया जाएगा। क्यों, ये जो किसान ये मेरा भाई नहीं है क्या? दावतखेड़ी के निवासी एक सामाजिक कार्यक्रम में शामिल होने आए थे और भैसरोत किसी से मिलने जा रहे थे। दोपहर करीब 2:23 पर इनका वाहन भैसरोत से करीब 500 मीटर दूर स्थित कौशलपुर रोड पर असंतुलित होकर पलट गया। इस हादसे में एक की मौत हो गई और 3 लोग घायल हो गए, जिन्हें उपचार के लिए सिविल अस्पताल में भर्ती किया गया। जानकारी के अनुसार उज्जैन जिले के ग्राम दावतखेड़ी निवासी किसी कार्यक्रम में शामिल होने आए थे, जहाँ से ये लोग भैसरोत किसी परिचित से मिलने जा रहे थे। दोपहर करीब 2:30 जब ये लोग कौशलपुर रोड पहुंचे, तभी इनका वाहन असंतुलित होकर पलट गया। वाहन में सवार चारों लोग घायल हो गए हैं। जब आसपास के लोगों ने यहां देखा तो उन्होंने डायल 100 को सूचना दी। इसी पर पायलट मनोहर सिंह, कांस्टेबल जितेंद्र पटेल मौके पर पहुंचे और घायलों को लेकर सिविल अस्पताल शुजालपुर पहुंचे। यहां तूफान सिंह के उपचार के दौरान मौत हो गई। सलसलाई पुलिस ने मर्ग कायम कर मामला जांच में ले लिया है। रेलवे इंदौर से पुणे के लिए शनिवार को स्पेशल ट्रेन चलाई जाएगी। यह रात 9:00 इंदौर से रवाना होगी और रविवार दोपहर 3:15 पर पुणे पहुंचेगी। वापसी में पुणे इंदौर एक्सप्रेस पुणे से रात 9:30 पर चलेगी और सोमवार दोपहर 2:30 पर इंदौर पहुंचेगी। बताया जा रहा है कि अन्य स्पेशल ट्रेनों की तरह इस ट्रेन में भी स्पेशल किराया सिस्टम लागू होगा। वहीं इंदौर पुणे स्पेशल ट्रेन का नंबर 09304 जबकि पुणे इंदौर स्पेशल ट्रेन का नंबर 09303 होगा। यह लक्ष्मीबाई नगर, उज्जैन, रतलाम, गोधरा, बड़ोदरा, सूरत, बापी, कल्याण और लोनावाला होते हुए पुणे पहुँचेगी। इंदौर से पुणे जाने में ट्रेन 18 घंटे जबकि पुणे से इंदौर आते समय 17 घंटे का समय लेगी। सुजालपुर में दीपावली की रौनक बाजार में दिख रही है, वहीं फूलों से दुकानें सज चुकी हैं। मिट्टी के दीपक, गन्ने व घरेलू सज्जा के सामान जमकर बिक्री हो रही है। लोगों में दीपावली को लेकर भरपूर उत्साह है एवं हर जगह रौनक है। और वहीं भारतीय परंपरा के अनुसार आज रात को सभी लोग अपने घरों में लक्ष्मी माता की पूजा अर्चना करेंगे। राजवाड़ा स्थित महालक्ष्मी मंदिर 186 वर्षों से शहर के लोगों के बीच आस्था का केंद्र बना हुआ है। यहां हर साल दीपावली पर पूजा अर्चना के लिए भक्तों की लंबी कतारें लगती हैं। उनके श्रृंगारित स्वरूप के दर्शन के लिए दूर दूर से भक्त आते हैं और सुख समृद्धि के साथ ही वैभव की कामना भी करते हैं। मंदिर का निर्माण मल्हार राव होलकर ने 1832 में करवाया था। 1933 में यह मंदिर 3 तल वाला था। इसका एक बड़ा हिस्सा 1942 में आग की भेंट चढ़ गया। तब इस मंदिर को लकड़ी से बनाया गया और चद्दरों से ढका गया था। मंदिर से जुड़े लोगों के अनुसार खासगी ट्रस्ट द्वारा करीब 10 साल पहले अतिक्रमण हटाकर पुनः जीर्णोद्धार का कार्य शुरू किया गया था, जो करीब 3 साल पहले पूरा हो गया था। फिल्म ठग्स ऑफ हिंदुस्तान के रिलीज डेट जैसे जैसे नज़दीक आती जा रही है, वैसे ही फिल्म का प्रचार तेज होता जा रहा है। दिवाली के मौके पर इस फिल्म के 2 बड़े ठग्स ने इस त्यौहार की बधाइयां दी। अमिताभ बच्चन और आमिर खान ने इस वीडियो जारी करते हुए शुभकामनाएं अपने फैंस तक पहुंचाई हैं और इसमें उन्होंने कल रिलीज होने वाली फिल्म को देखने की गुजारिश भी की है। फिल्म की शूटिंग से जुड़े कई खुलासों और बड़े पैमाने पर रिलीज किए जाने की खबर के बाद आखिर में कैटरीना कैफ का एक गाना भी रिलीज किया गया है। दहकते शोलों और अंगारों से लवरेज इस गाने में डांस ग्रुप के साथ कैट का अंदाज काफी खूबसूरत है। सोने में लिपटी कैटरीना का इस फिल्म में सुरैया जान का किरदार है, जो आमिर खान के अपोजिट है। विजय कृष्ण आचार्य के निर्देशन में बनी ठग्स ऑफ हिंदुस्तान दिवाली के मौके पर 8 नवंबर को रिलीज हो रही है। फिल्म में आमिर और अमिताभ के अलावा कैटरीना कैफ और फातिमा सना शेख भी हैं।